हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लस लैक्टोज के बारे में। इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। अब लैक्टोज की बात करें तो ये मैमल्स के मिल्क में मिलता है और इसका एक्सटेंट 4 to 8% होता है। अब काऊ मिल्क की बात करें तो इसमें लैक्टोज का परसेंटेज 4 to 6 होता है और ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज का परसेंटेज 5 to 8% होता है। जब मिल्क सौर हो जाता है या वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो लैक्टोज होता है वो बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उनका नाम लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस होता है। अब लैक्टोज को हम वे के एवोपरेशन के थ्रू भी बना सकते हैं और वे चीज मैन्युफैक्चरिंग का एक साइड प्रोडक्ट होता है। सिंपली हम कह सकते हैं जब मिल्क सोर होता है या वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उस समय मिल्क का जो वाटरी पार्ट होता है उसको ही हम वे कहते हैं। अब लैक्टोज का अगर एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस गैलोक्टोज के इक्विमोलर अमाउंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम लैक्टेज का यूज एज ए एंजाइम करेंगे। देखिए, ये हो गया लैक्टोज। जब इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड या लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो ये डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं लैक्टोज की प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, लैक्टोज एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 476.5 केल्विन होता है और इस टेम्परेचर पर लैक्टोज डीकम्पोज हो जाता है। अब लैक्टोज की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.525 होती है और लैक्टोज टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। अब लैक्टोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और अगर लैक्टोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये ऑसेजोन का फॉर्मेशन करता है। अब लैक्टोज की बात करें तो ये दो एनोमेरिक फॉर्म्स अल्फा और बीटा में एग्जिस्ट करता है और ये म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। देखिए, ये हो गई अल्फा फॉर्म और ये हो गई बीटा फॉर्म। ये दोनों इस इक्विलिब्रियम मिक्सर के फॉर्म में रहते हैं। मींस अल्फा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होके 55 डिग्री हो जाता है और बीटा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होके 55 डिग्री हो जाता है। अब बात करते हैं लैक्टोज के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है और ये हो जाएगा लैक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हो जाएगा लैक्टोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा लैक्टोज का चेयर कन्फॉर्मेशन। अब लैक्टोज की बात करें तो उसमें एक मॉलिक्यूल बीटा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बीटा गैलेक्टोज का होता है और इन दोनों के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसको हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिट का C1 या एनोमेरिक कार्बन और दूसरी यूनिट का C4 कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं।